स्टोर रूम की मैं आपको बता नहीं सकता, माशाल्लाह ये देखिए हर तरफ कीली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो और गजा मेरे साथ तकरीबन 5 दिन जो है ये आम देखिए आप 60 रुपए किलो है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का मेला करते हैं शुरू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अच्छा वंस मोर को जरा सबर करो। तो अभी हम आए हुए हैं मर्दान के फ्रूट मंडी की सब्जी मंडी का सैर भी कराएंगे यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ रेट भी। अच्छा तू समझा? हाँ। तू समझा नहीं? उस साइड पर बारिश नहीं हुई थी और इस साइड पर आप देखिए सड़क सारी गीली पड़ी हुई है, ये देखिए आप। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त साइन बोल देगा। आपके साथ इसको शेयर करूँ, माशाल्लाह बहुत ही ये पठानों की अलामत है, ये देख सकते हैं आप जबरदस्त। हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं और गरीब भाई मर्दान आए हुए हैं फ्रूट मंडी घर के लिए, आपके साथ मंडी की सूरत हाल भी शेयर करेंगे। कभी हो आंधी सर मंडी गोल्डन चौंसा, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त फेर की शॉप नज़र आई तो सोचा भी वक्त के साथ इसको शेयर करूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे और खूबसूरत पैरट यहाँ पर दस्तियाब है माशाल्लाह, मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ किस्म की। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को इसके इसको जो है ना ज़रूर ज़रूर शेयर करना माशाल्लाह। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी है यहाँ, ये मर्दान की सब्जी मंडी है मेन मर्दान की। और आजकल आमों का सीज़न चल रहा है तो आम का जो भी रेट होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस मौसम में सौदा तरफ लेने का अपना ही एक मज़ा होता है और फिर आपके साथ भाइयों जैसा दोस्त भी हो तो कुछ उसका तो अलग ही मज़ा है माशाल्लाह। यम हो दे चौंसा दे माशाल्लाह माशाल्लाह 100 रुपये किलो बाबा, पसूरी किलो ₹20 किलो, पसूरी किलो जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। 70 रुपये, 80 रुपये और 120 रुपये का भी आम दे स्पीरे चौंसा जबरदस्त जबरदस्त। 150 और दाप 150 था माशाल्लाह। सिर्फ सिंगर दे आ रहा हूँ साजी 120 रुपये माशाल्लाह। हाँ खुले से स्वाद वाला का ना चलता लू सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। 80 रुपये किलो, 80 रुपये माशाल्लाह, 80 रुपये किलो पसूरी पशु किलो मशरा पशु किलो माशाल्लाह। 2 किलो 150 रुपये आधा पशु लगा किलो किलो ये आम देखे आप सिर्फ 50-60 रुपये किलो है, ये वाले आम 60 रुपये किलो, 2 किलो 120, 2 किलो 120 माशाल्लाह। कितनी जबरदस्त रेट है जबरदस्त। बाबा कह रहे हैं कि नहाओ नहाओ, वैसे भी हम बारिश में नहा रहे हैं और बहुत मजा कर रहे हैं माशाल्लाह। 80 रुपये किलो, 2 किलो 2 किलो 150 रुपये माशाल्लाह, मुख्तलिफ रेट, मुख्तलिफ आम और मुख्तलिफ राई जबरदस्त माशाल्लाह। ये ट्रक आई हुई है कीली की, ये मंजर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। ताकि ना अभी उस साइड पर जो है ना हमने आम मार्केट का जो है ना रेट्स आपको दिखा दी, अभी यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह जो आप किसी के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं या दापसूद लगा दे किलो 1100 रुपये सौ रुपये की 8 किलो सफ़ेद चौंसा रखा ना, ये आपको 1100 रुपये जो है ना तकरीबन 8 किलो मिलेंगे सफ़ेद चौंसा इसको बोलते हैं। और ये होते हैं मुल्तान से। लफ्ज़ अच्छा ये है पजरी,
ज़रा कमजोरी है इसमें 8-8.5 किलो होगा और ये है करेट 750 रुपये की। आप अभी भाई साहब बता रहे हैं कि सफ़ेद चौंसा जो है ना इसके बहुत कम दिन रह गए हैं ये, लेकिन ये ख़त्म हो जाएंगे और ये है और चा। पलों का बात क्या दाम पाकिस्तान से इस मंडी से रेट सस्ता है, इस दुकान ताज़ा खान वाला सकूंगा। ताज़ा खान का रेट बहुत ही ज़बरदस्त है, पुरानी अभी मजा आएगा ना। पुराना मंडी, पुराना फ्रूट मंडी में सिर्फ ताज़ा खान का दुकान, पठान ताज़ा खान, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तरबूज सलाम अलैकुम जी। हाँ क्वेटा है, क्वेटा जी। अच्छा ये क्वेटा की जो है ना, अभी हम पुश्तों में भी बात करेंगे और उर्दू में, क्योंकि यहाँ सारे पठान ही होते हैं। क्या वो क्वेटे वाली जी? जी माशाल्लाह, यहाँ पर क्वेटा की तरबूज भी है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। दस सिंगर है पीदा दा खुद जी खर्चूल का दा दोनिम सौ पूरे दागा दागा था दागा पे 180। हाँ हाँ जी, सेवान का भी वीडियो बना रहा है। हाँ अगर देखो जी, सेवान का भी वीडियो बना रहा है माशाल्लाह। बारिश रुक जाए तो इंशाल्लाह फिर ताक भी ज्यादा होगा और लेने और देने का अमल यहाँ पर शुरू होगा। अभी क्वेटा के सेब पहुँच गए मंडी, अभी बारिश भी हो रही है और यहाँ पर चाय का मूड भी बन रहा है, तो चाय और मंडी की चाय होती है कड़क वाली और हमें जो है ना कड़क वाली चाय भी चाहिए, तो चलते हैं। छोटे अस्सलाम वालेकुम, चेहरा का मज़ेदार चाय पीते हैं भाई से कड़क वाली चाय और फिर बैंक के सुना और आ गए। ये आज हमारे इसके साथ मजबूती हो गई है, इसके माल हम नहीं मिलेंगे इसके। ये जोक चलते रहते हैं, चलो हम भी जो है ना वो चाय एंजॉय करते हैं। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चा वाह वाह वाह, और गरीब भाई ना 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 यहाँ पर जानवरों की भी मजे मजे सारी फ्रूट खाते हैं। ये बहुत ही मीठी और बहुत ही मीठा रेट, कितना रेट? 150 रुपए, 150 रुपया जी, सुन रहा 150 रुपया, 150 रुपए मतलब 150 नहीं 105 रुपए, ये बोल रहे 150 रुपया 150 रुपया 150 रुपया ये देखिए, आप इसको टेस्ट करें। लेकिन अभी हमने चाय पी ली है और चलो इसके जो है ना इसको टेस्ट करते हैं। यम 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 यम, बहुत ही ये जो आप केले खाते हैं ना बाज़ारों में, तो ये इस तरह के सब्ज होते हैं, फिर इसको स्टोर में ले जाके तकरीबन 500 रुपये में तकरीबन ये 5-6 दिन बाद ये पके हो जाते हैं, फिर मार्केटों के ऊपर आते हैं और फिर हम लोग खाते हैं माशाल्लाह। अभी इसके सारा प्रस भी जो है ना यहाँ से ये अभी आए हैं सिंध हैदराबाद से, सारे मजदूर भाई हैं हमारे, यहाँ से अपने जो है ना वो ले जाएंगे स्टोरी के ऊपर और स्टोरी के ऊपर 5-6 दिन, उसके बाद जब ऊपर होंगे ना तो पक्के होंगे तो फिर मार्केटों तक पहुँच जाते हैं। अभी शाकिर साहब बता रहे हैं कि ये वीडियो आपने कब अपलोड करनी है, तो अभी भाई साहब जो है ना ये वीडियो आएगा इंशाल्लाह। भाई साहब के लिए जो है ना वो हफीज़ुल्लाह व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप देख हफीज़ुल्लाह व्लॉग्स। शाकिर भाई जा रहे हैं, जो हमारे जानने वाले भी है स्टोर का विजिट हम करा रहे हैं कि स्टोर पर ये केले किस तरह पकते हैं।
तो शाकिर भाई आगे आगे और अब शाकिर भाई की पीछे पीछे स्टोर रूम में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये है मक्के शायद माशाल्लाह ये है स्टोर रूम और इसमें केले ये स्टोर रूम है आप और इन इतनी ठंडी स्टोर रूम के मैं आपको बता नहीं सकता माशाल्लाह। ये देखिए हर तरफ केले ही केले ऊंचे और व्यूअर्स आप देखें ये इस केलों को माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये तकरीबन 5 दिन जो है ना यहाँ पर पड़े होंगे और इसके बाद ये इस तरह पक जाते हैं जिस तरह आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे। ये तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं इसको स्टोर रूम में रखी हुई, ये पक चुके हैं और स्टोर रूम इतना ठंडा है कि यहाँ पर हमें काफ़ी ठंड लग गई माशाल्लाह। तो स्टोर रूम से बाहर जाते हैं और फिर जो है ना आपके साथ पूरा और भी प्रॉब्लम। स्टोर रूम है फर्स्ट मंजिल और ये नीचे जो है ना वो तहखाना है, सारा ये स्टोर रूम है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह भाई लोगों से हमने ये करीट खरीद लिया माशाल्लाह। हरी भाई ने एक तरबूज ले लिया और मैंने आमों का करेट ले लिया। तो गरीब भाई ने जो है ना वो तरबूज खरबूज ले लिया और हमने आमों का करेट ले लिया। और चलिए अभी चलते हैं और बारिश भी हो रही है और हमने कहा है हाँ ठंडाटार मौसम भी हो रहा है माशाल्लाह। और हम जो है ना खरीद फरोख्त करके अभी घर वापस जा रहे हैं। खरबूज किधर है? इसमें सोने का अंगूठा निकलता है। एक काट कर इसमें का मालिक ने कहा इसमें सोने का अंगूठा है। सोने का अंगूठा जो है ना वो चांदी की अंगूठे है। नक्शा भी लगा रहे हैं, बारिश को इंजॉय कर रहे हैं। A few moments later. तो ये थी आज हमारी दिन भर की रूटीन। आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने भाई हफीजुल्लाह को दीजिए इजाजत बहुत सारे दुआओं के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे अपने फैमिली मेंबर के साथ। अल्लाह हाफिज। और अगर आप लोगों ने टंडटार शरबत पीना है तो आए मुझे ज्वाइन करें। आप सब के लिए है। अल्लाह हाफिज।